मैं साउथ फ्लोर के फ्लैट पहुंच गया हूँ। मैं एंट्री कर रहा हूँ पाउडर रूम में। पाउडर रूम में एंट्री करते हुए ये वही स्टोन लगा हुआ है, सेम वही स्टेटस है। जो पॉट है इसके लिए ये हैंडल लिया हुआ है यहाँ पे, इस टाइप इस डिजाइन में इसके यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे वाटर सप्लाई को रोकने और स्टार्ट करने के लिए ये भी ऐसे है। इसके अलावा दिखा दिया है। सर्वेंट क्वार्टर है, सर्वेंट क्वार्टर एक बार मैं दिखाता हूँ। पहले ये अलमीरा है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे अलमारी के बाद जो अलमारी है उसके बाद ये पोर्शन है ये सामने वाला, इसको मैंने मापा है अभी तो यहाँ से लेकर और इस दीवार तक ये 6 फीट है। यानी कि इस 6 फीट में से आप 1 फुट के पल्ले निकाल लेते हैं वो 5 फुट बच जाता है। यानी वो स्लाइड लगाते हैं तो ये 6 फीट बन सकता है, अदरवाइज ये 5 फुट का ही बेड बनेगा। दूसरा ये जो सामने वाली दीवार आप देख रही है ये दीवार है यहाँ से लेकर, और ये जो मैं यहाँ करूँगा इस वाली दीवार के बिल्कुल यहाँ पे जो आएगा जो सीधा आ रही है इसकी, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मैं नाप था इसको भी एक बार नाप लेता हूँ। थ्री एंड हाफ 3.5 फुट का एरिया है, 3.5 फुट का एरिया मैंने यहाँ तक ले चलते हैं, इसके सीधे ले चलते हैं उस दीवार से और फिर इस तरफ को ऐसे बढ़ रहा है, ट्रिच है थोड़ा सा ये, तो 3.5 फुट से यहाँ पर इस दरवाजे तक यहाँ तक लेते हैं तो ये 5.5 फुट है, लेकिन यहाँ तक ले नहीं सकते वो रास्ता है, तो ये 3.5 फुट पर यहाँ तक ले सकते हैं इस बेड को। 3 फुट का बेड आपका बन सकता है, 3 फुट चौड़ा और 5-5.5 फुट लंबा। अगर स्लाइड डाल देते हैं सलमीरा में तो 6 फीट का उसके बाद बेड यहाँ तक आ जाएगा, वो 6 फीट में 5 फीट में जो भी है, उसके बाद ये पोर्शन खाली बच जाता है यहाँ तक, ये पोर्शन खाली। अच्छा मैं यहाँ से आगे चलता हूँ लिविंग रूम में। जिसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है कि बालकनी में टाइल्स लग गई हैं, ये देखिए बालकनी में टाइल्स लग गई हैं वो इस तरीके की। बालकनी टाइल्स है तो ये एसी लगा हुआ आपका लिविंग रूम का, ये यहाँ ही रहेगा, इसके लिए और कोई जगह नहीं है। इसको हमने इस तरीके से टांगा, लिविंग रूम एरिया का जो एसी है वो यहाँ आउटर फैन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इसके यहाँ पे कोई जगह नहीं है।
जो पाइपिंग है वो यहाँ कर रखी है, तो इन्होंने यहाँ लगा दिया है। अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ वापस लिविंग रूम में। लिविंग रूम में जाने के बाद ये जो कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एसी का पॉइंट उस दीवार में कहाँ पर है। एग्जैक्टली मेजरमेंट तो नहीं ले पाया ले सकता मैं, बट मेजरमेंट लेवन लेता हूँ अभी इसके बाद कि इस टाइम में सेंटर में खड़ा हूँ आपके जो विंडो है उसमें, और सेंटर से मुझे ये लुक आया कि इस टाइम में जो टीवी पॉइंट है उसके सेंटर में है, इस विंडो का जो सेंटर शीशा है वहां से ये सेंटर दिखाई दे रहा है। ये जो सेंटर शीशा है ये वाला, ये जो सेंटर शीशा है ये सेंटर है उस टीवी पॉइंट, सामने टीवी पॉइंट है, इस टीवी पॉइंट का ये सेंटर। ओके और ये साइड वाला है जिसको अपनी चबल सोच रहे हैं यार यहाँ पे अपना सोफा रख सकते हैं, तो ये होगा यहाँ का मेजरमेंट। अच्छा इसके बाद में चलता हूँ डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में वही फील चले से पत्थर घिसाई चल रही, साइडों में घिसाई चल रही है, अभी काम रुकवा दिया है ताकि आवाज़ आ जाएगी आपको, तो यही घिसाई चल रही साइड में। किचन में जाते हैं तो किचन में देखिए फिर उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ आया वो पत्थर नीचे जो लग चुके हैं, तो सामने वाली टाइल्स लगी हुई है। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो अपना वॉशिंग मशीन के लिए उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है बाहर बालकनी में, किचन के बाहर निकला और ये वो पॉइंट है पानी वाला। ओ पानी जा रहा है, इस डिजाइन में मीटर है पानी का, सेवन क्वार्टर का डोर है, ये व्यू है। यहाँ से मैं निकल के वापस किचन में जा रहा हूँ। किचन को मैं दिखा दिया लिविंग डाइनिंग रूम से होते हुए मैं आगे पहुंच रहा हूँ ऑफिस रूम में। ऑफिस रूम में जाने के बाद देखता हूँ ये वही सेम स्टेटस, ये फैन तेज तेज चल रहा है पर उसमें दिखाई दे रहा है, इसमें स्लो दिखाई दे रहा है और ये तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। ये एसी है विंडो, यहाँ पे देखिए बाहर का व्यू है यहाँ से विंडो से रूम से। निकल के मैं बेडरूम नंबर 4 में हूँ। बेडरूम नंबर 4 में ये देखिए डोर लग गया है, ये डोर है डोर को बेडरूम नंबर 4
तैयार हो रही है ये बाकी के डोर्स हैं। फ़ोन किया था बट फ़ोन किसी और ने पिकअप किया, ही सेड कि 2 बजे बाद फोन करूँगा कि आप कैसे क्या करना है उसका पॉइंट डिस्कस करूँगा 2 बजे के बाद। ओके ये आपका हो गया आउटर फैन डाइनिंग एरिया का और बेडरूम में 4 का, ये उन्होंने यहाँ लगा रखा। ये टाइल्स हैं जो यूनिट में लगे हैं, तो यहाँ से बाहर निकल के हैं तो मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। बाथरूम में ये अभी और कोई काम नहीं हुआ है, वही लास्ट टाइम स्टेटस था, मैं वो दिखा देता हूँ कि हमारे शावर से कैसे लगाए उन्होंने। ये स्लो निकल गया, शावर हो गया, ये ऊपर और नीचे कर सकते हैं, मोर राइट लेफ्ट। ओके और इसकी हाइट तकरीबन 6 फीट होगी शायद। यस ये इसका लुक, ये आपका हैंडल हो गया वाटर को ऑन करने के लिए, ये नीचे वाली टैंकी होगी पेट्रोल हैंडल, ये आपका पॉट, ये वार्डरोब लग रही है आपको, ये सही हो गई है। स्टैंड है जो वो तो 6 फीट से ऊपर है तो उस पर गीला होना चाहिए, बट लेट मी आस्क इफ यू कैन डू समथिंग एल्स, अभी उस बात नहीं हो पाई इस बारे में। यहाँ से मैं बाहर निकल के कॉमन बाथरूम में जाऊंगा।